सुरक्षा की जो प्रतिज्ञा ली है ना, ये आम शब्द नहीं है। आज से पहले हमने इन शब्दों का प्रयोग किया था? नहीं किया। ये बड़े गहन शब्द हैं जो मतलब बहुत सारे लोगों ने मिल के लिखे हुए हैं। इसका मतलब आज के दिन, मतलब आज के दिन सब लोग समझ रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ सत्यनिष्ठापूर्वक, मतलब हम सच के साथ एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अपने आप को दोबारा से, जो आज तक जो हमने किया वो ठीक है, दोबारा से अपने आप को सुरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण के बचाव के प्रति, सुरक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण, सुरक्षा किसकी? खुद की। पर्यावरण किसका है? हमारा अपना, जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं। अभी इसी हवा में कोई जहर फैला दे, कोई गंदगी फैला दे, तो आपको सांस आएगा? कोई धुआं भर दे, सांस ले पाओगे? मारे जाओगे ना। वो कह रहा है कि मैं आज के दिन दोबारा से यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षा सुरक्षित रखूँगा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसका? हमारा अपना। स्वास्थ्य किसका? हमारा अपना। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे, गंदे हाथ से खाना खा लेंगे। अभी अपने अपने हाथ दिखाओ, सब लोग ऐसे करो ऊपर, वेरी गुड, सबके हाथ साफ हैं एक दो को छोड़ के। हम लोग हमारे हाथों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, बताइए बताइए। छोटी सी एक साबुन आती है ना, साबुन, हमाम का, डेटोल का, लक्स का, कोई भी साबुन जो हाथ धोने के लिए है या नहाने के लिए भी है, छोटा सा टुकड़ा काट के अपनी जेब में रखो, खाना खाने से पहले हल्का उसको हाथ धो के रख लो। इतना छोटा सा टुकड़ा बहुत रहेगा। छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, 2-3 रुपए के 4 रुपए के छोटे टुकड़े भी आते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको वो दिलवाने की। नहीं मैं दिलवा पाता हूँ या मैं 2-4 दिन लेट आ जाता हूँ, तो कम से कम आप ये ना सबक सीख लो अपने लिए कि हम लोग कम से कम ये छोटा सा टुकड़ा अपनी जेब में रखें। क्या फ़ायदा करेगा वो छोटा टुकड़ा? तो हमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा। देखो हमारा जो हाथ है ना, हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं हैं, गड्ढे हैं। ये गड्ढे जो है ना, इन गड्ढों के अंदर जो कीटाणु है ना, वो छुप जाते हैं, हमको दिखते नहीं है। वो माइक्रो जो दूरबीन होती है ना, उससे देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो जीव होते हैं ना, वो चलते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे नाखूनों में यहाँ पे मैल जम जाता है ना, वो मैल नहीं है, वो कीटाणु है। वो उस कीटाणु को डॉक्टरों ने ऐसे करके और ऐसे निकाला और माइक्रो को उस पर देखा, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा वो वाली, उसके अंदर कीटाणु दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे जीव हैं वो, छोटे छोटे जीव। आप देखते हैं ना, जैसे एक कोई सब्जी है, आपने रात को बना के रख दी और या फिर सुबह बना के रख दी और धूप में रख दी, दाल रखते हैं ना सब लोग टिफ़िन में, दाल लेके आते हैं, सबसे जल्दी ख़राब होती है कि नहीं होती है? आप तो सब लोग लेके आते हैं ना टिफ़िन, दाल खराब होती है, खराब होती है क्यों? उसके अंदर पहले स्मेल हो जाती है, स्मेल होने के बाद छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। अगर हम लोग उसको खा लेंगे तो क्या होगा बोलो? पेट में दर्द हो जाएगा, गैस बनेगी और कीड़े हो जाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले जो छोटे परिणाम होंगे, बाद में उसके परिणाम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, स्वास्थ्य का ध्यान पहले खुद रखना है। छोटे छोटे साबुन की टिक्की अपने जेब में रखो, जब भी कभी ऐसा हो खाने का पीने का कुछ विचार बन रहा है, तुरंत जाओ, पानी अपने साइड पर बहुत है, कैंटीन के अंदर भी पानी है, वहाँ पर जाओ, अपने जेब से साबुन निकालो, अच्छे से रगड़ो, धो, साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आज तो हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, आज 2023 है, फरवरी के अंदर हम लोग हैं, और आज से पहले कभी हमारे माँ बाप के, आपने कहानी सुनी है कि हमारे जो माँ बाप थे वो 6-7-8 भाई थे, सुनिए सुनिए, हमारे माँ बाप दादा जो थे वो 6-7-8 भाई थे, उनमें से 4-5 मर जाया करते थे, सुनिए, सुना है कि नहीं सुना है? हमारे दादा जो थे वो 8 भाई थे लेकिन 4 मर गए। कैसे मरे वो, कैसे मरे? क्योंकि हमने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। आज की डेट में आपकी जो बीवी है, आपकी बहन है या कोई रिलेटिव है, किसी को अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ना, हॉस्पिटल में डिलीवरी कराते हैं। पहले दाई माँ करती थी, दाई माँ का नाम पता है? दाई माँ क्या होती है? जो डिलीवरी करते हैं नेचुरल तरीके से, जो डिलीवरी करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं बच्चे को निकालने में, और उस टाइम पे जो ट्यूब होती है उनको काट के अच्छे से रखा जाता है। एक हल्की सी भी सावधानी घटती है, हटती है, दुर्घटना घट जाती है। दाई माँ, बहुत दाई माँ तो बहुत अच्छी होती थी, पहले ही हाथ पैर पूछ के काम किया करते थे, लेकिन कई जो थे वो एक्सपीरियंस वाले नहीं होते थे, वो बच्चे की डिलीवरी करने के बाद में, प्रसन्न करने के बाद में ट्यूब काटते थे, लेकिन उनके हाथ गंदे रहते थे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे जो हैं मर जाते थे। आज की डेट से 40 साल पहले का अगर आप आंकड़ा लगा के देखेंगे तो एक आपको ऐसे दर मिलेगी कि बहुत सारे बच्चे मरे थे, किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से। आज की डेट में हमारे यहाँ इंडिया में जब अपने को कोरोना आया, कोविड आया, तो हमको सैनिटाइज़र का पता लगा, हाथ में डालो, खाना खा लो, सबने यूज़ किया ना उसको, साइड पर भी कई जगह रखते हैं हम लोग। वो पहले नहीं था,
और वो हमारे इंडिया में नहीं था लेकिन बाहर देशों में हमारे हॉस्पिटलों में बड़ी सालों से यूज़ हो रहा है, कई सालों से यूज़ हो रहा है। क्यों? जब भी डॉक्टर कभी अपना हाथ धो भी लेते हैं, हाथ धोने के बाद भी अपने आप को सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद में अपना काम करते, ऑपरेशन करते, सर्जरी करते। क्यों? ताकि एक भी कीटाणु हाथ के अंदर ना रहे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इन मौतों के अंदर सुधार आया धीरे धीरे। अच्छा, आपने सुना होगा पहले जो हमारे जो बूढ़े थे वो 30 साल 40 साल 50 साल में एक्सपायर हो जाते थे, मर जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेडिकल जो लाइन है वो अच्छी नहीं थी, उतनी अच्छी नहीं थी। आज की डेट में अगर हम बीमारियों की बात करें तो आज की डेट में जो मेडिकल का जो इतिहास है उसके अंदर कम से कम 40,000 बीमारियां हैं। कितनी हज़ार? 40,000 बीमारियां हैं। तो कितने सारे डॉक्टर होंगे? हैं, पहले क्या होता था, एक ही डॉक्टर सारा का सारा इलाज कर दिया करता था। गाँव में एक झोला छाप डॉक्टर बैठते थे, उनके पास कुछ लेके जाओ, हाँ भाई क्या हुआ? सर बीमार हो गया। अच्छा एक काम करो, एक इसको एंटी एलर्जिक दे दो, एक एंटीबायोटिक दे दो, एक इसको पैरासीटामोल दे दो, ठीक हो जाएगा। करते थे ना ऐसी 4-5 पुड़िया बांध के दे दिया करते थे। आपको पता ही नहीं है गोली के अंदर है क्या, पता था? नहीं पता था। उन गोलियों का अंदर किसी को हो गया असर तो वो ठीक हो गया, नहीं तो वो राम नाम सत्य हो गया। क्योंकि हमारे पास एक ही डॉक्टर था। आज की डेट में आंखों का डॉक्टर अलग है, नाक कान गले का अलग है, दिल का अलग है, लंग्स का अलग है, पेट का अलग है, बवासीर का अलग है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां इतनी हो गई हैं भैया, और इतनी ही बीमारियों के लिए इतनी ही इलाज भी संभव हो गए हैं, पॉसिबल हो गए हैं। तो आज की डेट में जो पहले जो नॉर्मल जो हमारे दिनों की जो वो थी 40 साल 50 साल पहले, किसी को हाइपर बीपी हाइपरटेंशन का पता ही नहीं था, आदमी मर जाया करते थे, ऐसे ही मर जाते थे ना। क्यों? अरे साहब पता नहीं वो अपने घर से बाहर गया था, कुछ काम कर रहा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, बस इतना ही सुनने को मिलता था। आज की डेट में, आज की डेट में हमारी जो लाइफ है वो बढ़ गई है और बढ़ भी रही है धीरे 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 धीरे। हमारे जो मेडिकल है वो और चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा ज़िंदा रखा जा सके। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से। स्वास्थ्य अगर हमारा सही रहेगा तो हम लोग भी सही रहेंगे। तो हमने जो प्रतिज्ञा ली है उसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं आज अपने आप को दोबारा से सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के बचाव के हर संभव प्रयत्न करूंगा। हम लोग बचाव के लिए, पर्यावरण का हम लोग क्या देख रहे हैं भाई बताओ? पर्यावरण वो जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ पे आज आप अच्छे से बैठे हो क्योंकि खिड़की खोल रखी है, अच्छी हवा आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। अगर यही चीज़ हम बिस्तर के अंदर करते हैं, सांस आता है हम लोग को बढ़िया से? आता है, थोड़ा खींच के लेना पड़ता है ना। वही चीज़ अगर यहाँ पे धुआं फैला दी जाए, सांस आएगा? नहीं आएगा। पर्यावरण जैसे ही खराब हुआ, पहले इतनी सारी नदियाँ थी, आज की डेट में नदियाँ सूख रही हैं कि नहीं सूख रही हैं बोलो? हमारे तो बगल में नदी है भैया, है ना, तापी रिवर जो सूर्यपुत्री है वो है यहाँ पे हमारे, और वो भी सूख रही है। पहले जो आपने देखा होगा नदी, जब भी देखोगे तो नदी इतने से पानी, इतना सा पानी चल रहा और इतनी लंबी चौड़ी नदी है, लेकिन पानी सिर्फ इतने से है, देखा है ना। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण को दूषित किया है। पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, आजकल गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, बारिश ज़्यादा है। क्यों होती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगा दी जो ऊपर जाके धुआं छोड़ती है ना। पहले होता था कोई चीनी मिल के पास, कोई आटा मिल के पास, कोई ऐसे रहना है, कोई रहा है वहाँ पे? चीनी मिल से जब आग निकलता था, धुआं निकलता था, तो छोटे छोटे राख सबकी छतों के ऊपर गिर जाया करते थे, छोटे छोटे राख के पार्टिकल। रहा है कहीं कोयले की उसके मील के पास कोई रहा हो? रहा है कोई पानी के पास, सूत मिल के पास कोई रहा है? जितना भी कबाड़ा जलाते थे ना हम लोग, उसमें से राख उड़ती थी। आज की डेट में अगर यहाँ पे मैं आग जलाऊंगा तो आग के साथ धुआं निकलेगा। उस धुएं में आप देखना, जब कभी आप हाथ सेकने के लिए आप लगाते हो ना आग, तो उसके अंदर से कुछ अनजले हुए पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर उड़ते हैं राख के रूप में, वो नाक में चले जाते हैं तो नाक काली हो जाती है अंदर से। क्यों? वो हमारे नाक ने रोक लिया। ऊपर वाले ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए, हमको पता ही नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट ये भी है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस के द्वारा आधी बीमारी तो यहीं रुक जाती है, नहीं तो पूरी की पूरी हमारे लंग्स में जाती। हमारे नाक में जो बाल दिए हैं ना ऊपर वाले ने, क्यों दिए हैं? गंदगी को यहीं छान देंगे। क्यों? क्योंकि गंदगी को यहीं छान देंगे। देखा है कभी आपने, आप बहुत देर से कुछ धूल मिट्टी का काम कर रहे हो तो पूरी अंदर से नाक सफ़ेद हो जाती है, देखिए ना। क्यों होती है? मोटे मोटे जो पार्टिकल होते हैं वो यहीं रुक गए हैं, लेकिन छोटे जो पार्टिकल है वो अंदर चले गए हैं। तो हम जब भी कभी धूल मिट्टी में या ऐसे इन्वायरमेंट में काम करें जहाँ धूल मिट्टी है या ऐसे कण हैं जो हमारे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, वहाँ अपने मुंह पे कपड़ा या मास्क लगा के प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग जो पाउडर यूज़ करते हैं ना, पाउडर दिखाते ना ऐसे फिल्मों में अभी आती ना, बच्चे को भी बड़े जोर से लगाते ना, वो पाउडर को ऐसे नहीं लगाना चाहिए भाई।
क्यों? उसके इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, जब वो उड़ेगा ना तो हमारे नक्स में, हमारे लंग में जाएगा, कैंसर का कारण बनेगा। अगर आपको पाउडर लगाना है पहले हाथ पे छिड़को फिर लगा लो। समझ गए? समझ गए? क्यों? क्योंकि वो जितना उड़ेगा, पहले दिखाते थे एड, एड थी पहले, एक एड थी ना इसल किया और थी, वो ऐसे लेटा देते अपने बच्चे को, ऐसे लेटा के ऐसे करते पूरा का पूरा ऐसे उड़ जाता है वो। इसकी वजह से अमेरिका की एक औरत ने एक कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि मेरे बेटे को और मेरे को कैंसर हो गया उन पार्टिकल्स की वजह से, और वो जो कंपनी थी उसने 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भरा। क्यों? क्योंकि उनकी ऐड में दिखाया जाता था कि आप ऐसे ऐसे मारोगे तो पाउडर अच्छे से लगेगा। टूथपेस्ट की ऐड आती है ना, टूथपेस्ट को लेते हो भर के पूरी की पूरी ब्रश के ऊपर लगा देते हैं, देखा है ना ऐड, है ना, ताजगी भरी सांस दे, देखिए ना ऐड। लेकिन क्या इतनी कोलगेट लगानी जरूरी है? पूरी भर के इतनी से में भी काम चल सकता है, एक दाने के बराबर भी। क्यों लगवाती है, क्यों ऐड में दिखाते हैं कि पूरा भरो? ताकि जल्दी ख़त्म हो, जल्दी बिके। क्यों? जल्दी ख़त्म हो और बिकेगी, इसलिए ऐड में दिखाते पूरा भर दो। आधी से ज़्यादा जो ऐड है ना वो हमको हमको भ्रमित करने के लिए बनाई जाती है, हमको पागल बनाने के लिए बनाई जाती है। तो ऐड पे मत जाओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो हमने देख लिया पाउडर का यूज़ कैसे करना है, बताओ कैसे करना है? पहले हाथ पे, फिर जहाँ लग, बच्चे को भी, आप यहाँ पे हो, आप हमारे साथ में हो, घरवाली को फ़ोन करके बोल देना कि सुनो अगर पाउडर लगाना तो ऐसे लगाना जैसे हमने बताया है, नहीं तो क्या होगा, वो उसके भी नाक में जाएगा 40 साल के बाद, वो बोलेगी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? उसको पता, क्योंकि उसने ऐड देखी थी वो, है ना। तो वो कुछ एक चीज़ें ऐसी जिसका हमको ध्यान देना है। उसके अलावा उसके बाद ये बोलता है कि मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा, मतलब मेरे अंदर जितनी ताकत है उस ताकत के साथ मैं इसको कोशिश करूँगा कि निश्चित रूप से मैं इन लक्ष्यों की प्राप्ति कर लूँ। हम लोग कोई टारगेट लेते हैं ना, भाई हमने आज टारगेट लिया है कि हम ये जो साइट है उसको कंप्लीट करके रहेंगे, तो हम लेते हैं ना एक टारगेट। सुबह भी हमारा टारगेट होता है कि उठ के हमको यहाँ पहुँचना है साइट पर, तभी हम लोग उठते हैं ना। अगर नहीं पता हो, आज आप घर पर हो, आज आपको काम नहीं है, तो आप उठोगे बिस्तर से? उठोगे क्या? वही आएगी, वहीं पे सब कुछ आएगा, आएगी ना, मैडम करती है ना सेवा की, नहीं करती? बोलो यार, शर्मा रहे हो यार तुम लोग तो, समझ गए ना। घर पे रहोगे, माँ बाप करते ना, ले बेटा पानी, घर से बाहर से आया, ले पानी पी, चाय पी, दूध पी, है ना, करते ना। क्यों करते? क्योंकि आप लोग एक 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 काम करने वाली एटीएम मशीन हो। एटीएम क्या होता है? जिसमें से पैसे निकालते हैं, है ना। एक मैं कार्ड निकालता हूँ, इधर आ बेटा, तेरे में से पैसे निकालता हूँ, इधर आ खड़ा हूँ। हम क्या हैं? हम एटीएम मशीन हैं। क्या हैं? बैठ जा बेटा, मजाक कर रहा हूँ, तू सीरियस हो गया यार। हम क्या हैं भैया? हम एटीएम मशीन हैं। हम काम करेंगे तो पैसा कमा के घर पे देंगे ना भाई। एटीएम क्या करता है? एटीएम भी तो पैसे देता है ना, कार्ड डालो पैसा निकालो। हमको क्या मिलता है? हमारे अंदर कार्ड नहीं डालते, हमारे अंदर फ़ोन करके बोलते हैं, जी सुनते हो इसकी तबीयत ख़राब है, भेज दीजिए 2,000 रुपया, बोलते हैं ना, है ना। ए फलाने की शादी है, भेज दीजिए 12,000 रुपया, बोलते हैं ना। तो हम क्या हुए? चलते फिरते एटीएम मशीन। ये एटीएम मशीन कब तक काम करेगी बोलो? जब तक हम सुरक्षित हैं। अगर हमको कुछ हो गया तो क्या होगा भैया? एटीएम मशीन का गई तो वो लोग किसको, कहाँ डालेंगे भैया अपना कार्ड? किसको बोलेंगे फ़ोन करके भाई? समझ रहे हो आप? इस बात को मैं मजाक के तरीके से क्यों समझा रहा हूँ? ताकि हम लोग सुरक्षा का ध्यान रखें। हम लोग क्या गलती करते हैं? हमारे ऊपर वाले ने हमारा जो शरीर पानी के लिए बनाया, हम दारू डाल देते हैं इसके अंदर, है ना। हमारे ऊपर वाले ने जो हमारा बनाया है, हमारे जो लंग्स बनाए हैं, फेफड़े बनाए हैं, वो नेचुरल हवा, फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए बनाए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मार चिल्लम, मार धुआं, मार सिगरेट, मार बीड़ी करते हैं ना। और भी बचा नहीं तो ये मुंह किस लिए बनाया? खाना खाने के लिए, बोलने के लिए, ताकि मैं अच्छी बातें आपको बता पाऊँ। उसके अंदर भी हम क्या करते हैं? इसको भी भर लेते हैं भैया। फिर बोलते बप बप, रुक 2 मिनट बात करता हूँ। हाँ बोल, हुआ कि नहीं हुआ? हम क्या करते हैं? हम क्या कर रहे हैं भैया? किसका नुकसान कर रहे हैं हम लोग? अपना। हम अपनी जो एटीएम है ना उसका खुद नुकसान कर रहे हैं भाई, है ना। फिर उनको कोई दूसरा एटीएम ढूंढना पड़ेगा, क्या समझे? समझ गए कि नहीं समझे? दूसरा एटीएम मतलब कौन? समझ गए ना? हाँ, पूरी बात मत खुलवाओ मेरे से। अच्छा, उसके बाद ये बोलता है कि मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है, मेरा ये मानना है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां, दुर्घटना सबको पता है, एक्सीडेंट, जानी हटी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट हो गया। व्यावसायिक बीमारियां कौन सी हैं भाई? साइट पे काम करते हुए कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले,
आप जब नाक में धुएं को लोगे, मुंह में धुआं जाएगा, वो लंग्स में जाके बैठेगा, आज नहीं कल बीमार पड़ोगे। उसकी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़, 1 किलो गुड़ ला के रख लो, थोड़ा थोड़ा गुड़ डेली रात को खाने के साथ में खाओ, ताकि जितना भी कीट पटंगा आपने जो आगड़ंगा जो खाया सब निकल जाएगा, सुबह टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं यही काम करते थे ना, पानी जो पीते हो उसकी जगह नॉर्मल पानी पियो, ठंडा पानी चिल्ड मत मारो, ला रहे ठंडा पानी दे उसमें और बर्फ़ डाल ले, बर्फ़ डाल के पानी मत पियो, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से गर्म है। क्या है, हम लोग जो सुसु करते हैं पोटी करते हैं वो गर्म निकलती है कि ठंडी निकलती है, भट्टी जली हुई ना अंदर गर्म है, इसकी भट्टी को हम लोग शांत कर देते हैं ठंडा पानी ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाल के, तो क्या होगा हमारे को, नुकसान होगा फ़ायदा होगा भाई, नुकसान होगा। तो हमने ठंडा पानी ज़्यादा चिल्ड अवॉइड करना है, नॉर्मल जो मटके का पानी उसको आप पी सकते हो, उससे क्या होगा आपको जो ये पेट है ना उसमें जो अग्नि जो जल रही है ना वो उसका नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा भी नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, समझ गए ना। लेकिन नॉर्मल पानी पियेंगे तो, और हो सके तो गर्म पानी पी लो, गुनगुना पानी पी लो, थोड़ा जीरा डाल लो, थोड़ा सौंफ डाल लो, ताकि पानी और ताकतवर हो जाए, क्या हो जाए पानी और ताकतवर हो जाए, जिससे हम लोग अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से सुरक्षित रहेंगे। देखो हमारे चेहरे पे अगर कोई पिंपल पड़ जाए, पिंपल मतलब फुंसी फोड़ा दाग दद्दा कुछ हो जाए, हमको दिखता है ना, दिखता है तो हम उसकी क्या करते हैं, लेके क्रीम और 4 बार क्रीम लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, लगाते कि नहीं लगाते, अंदर कौन सा फोड़ा फुंसी चल रहा है उसका क्या पता, बोलो भैया अंदर कौन सा फोड़ा फुंसी उसका क्या पता हमको, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अंदर का एक्सरसाइज है कुछ, जैसे एक तो योगासन होता है ना, लंबे से सांस लेना, फिर करते हैं ना ये वाले, ये क्या करते हैं अंदर की चीज़ों को जो गंदगी गैस जो बाहर जो अंदर है वो सब बाहर निकल जाएगा, ये क्या करते हैं योगा करते हैं, थोड़ा थोड़ा योगा करो, थोड़ा थोड़ा योगा करोगे तो अंदर पे काम होगा, या फिर ऊपर नीचे जो सिटअप्स करते हैं ना, जो लेट के नीचे से और ऊपर करते हैं, तो अंदर की एक्सरसाइज है वो, पेट की एक्सरसाइज है, क्योंकि अंदर का तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ऊपर तो खूब तेल पाउडर खूब लिपस्टिक लगा रहते हैं, अंदर कौन लगाता है भाई, अंदर नहीं लगाता ना कोई भी, तो अंदर की भी सावधानी करो भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यावसायिक बीमारियाँ जो हम काम करते हुए हमको बीमारियाँ हो गई, जैसे धूल मिट्टी में गए, हमने वजन ज़्यादा उठा लिया, आज मैं इनको उठा लूँ, मेरी कैपेसिटी है मान लो इनको उठा लूँ, और इनके जैसे उठाने की मेरी कैपेसिटी है, लेकिन मैं इनके जैसे 2 आदमी उठाऊँगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा बोलिए भाई, मेरी कमर पर दर्द होगा भाई। इसलिए जब भी कभी आप लोग साइड के ऊपर कोई वजन का काम करने जा रहे हैं, एक बार शरीर को खोल लो, क्या कर लो, खोल लो, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, जैसे पहलवानी करते हुए थोड़ा सा शरीर को एक्टिव कर लो, थोड़ा शरीर एक्टिव होगा तो आपको जो मोच आनी है, चनक आनी है, समझते हो ना मोच वगैरह क्या होती है, वो नहीं आएगी भाई, क्योंकि शरीर गर्म है, ठंडे शरीर में कोई भी काम मत करो। कहते हैं ना आदमी को चलते चलते चोट लगी पता नहीं लगता है, लेकिन जब जो वो सूज जाता है स्वेलिंग आ जाती है तब दर्द होता है बाद में, होता है ना, क्योंकि कहते हैं ना गर्म खून में चोट लग गई तो पता नहीं लगा, बाद में दिखाई दिया, बाद में महसूस हुआ। तो अपने आप का जरूर ध्यान रखना है, व्यावसायिक बीमारियां अपने आप से बचाने के लिए हाथों की गंदगी नाक कान में जो गंदगी जा रही है उससे बच के रहना है, शाम को छोटा सा गुड़ खाना है, क्या खाना है, गुड़ खाना है। उसके बाद में ये जो सब चीज़ें होंगी उससे कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट होंगे तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दुर्बल होगी, मतलब समाज जो हमारा जो इंडिया है ना उसकी अर्थव्यवस्था दुर्बल होगी। जैसे 1984 में कुछ दंगे हुए थे, प्लेग बीमारी फैली थी, बहुत सारी बीमारियां फैली थी, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भी नुकसान हुआ था। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले 2020 में कोविड आया था, कोरोना आया था ना, तब हमारे को नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ था, हम लोग बैठ गए थे कि नहीं बैठ गए थे, हमारा नुकसान गवर्नमेंट का भी नुकसान है कहीं ना कहीं। अगर आप सही सलामत हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप गवर्नमेंट के पास जाओगे ना, कुछ ना कुछ तो खाओगे पियोगे, कहीं ना कहीं तो टैक्स दोगे ना, लेकिन अगर आप सही सलामत ही नहीं हो तो क्या टैक्स दोगे। तो हम तो दुर्बल हुए ही हुए, हम तो गरीब हुए ही हुए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी फर्क पड़ेगा भाई, क्या होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी फर्क पड़ेगा आपको फर्क पड़ने से। तो ये मत समझना कि हमको कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा, सबको फर्क पड़ेगा। उसके बाद अगर ये चीज़ होती है तो उनको दुर्बल बनाया, उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, आदमी विकलांग हो सकता है, मान लो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, आंखें फूट गई, तो आदमी विकलांग हुआ कि नहीं हुआ, उसका मतलब विकलांग होना कि आदमी को हाथ पैर से दुर्बल हो गया, आदमी विकलांग हो गया, चल नहीं पा रहा है तो विकलांग हो गया, हाथ से खाना नहीं खा पा रहा है तो नुकसान हो गया उसको, तो विकलांग हो गया।
तो ये विकलांगता मृत्यु, मान लीजिए कई बार ऐसा कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गया जिसमें चार आदमियों के हाथ टूट गए और चार आदमी मर गए, तो कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, हाथ टूटने वाला कि मरने वाला? मरने वाला। तो मृत्यु का भी कारण बनती है और समाज के लिए हानिकारक है। संपत्ति की क्षति, पैसे का भी नुकसान होगा। मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी को चोट लग गई, एक आदमी को चोट लगी किसी भी एक एक्स वाई जेड का नाम सोच लो कि उसको चोट लग गई, अगर वो आपका दोस्त है, आपका जानने वाला, तो आप जाओगे ना उसके घर में पूछने के लिए, हाँ भाई क्या हुआ, कैसे लगी, जाओगे कि नहीं जाओगे? उसको घर पे खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या खर्चा पड़ेगा भाई, तुम तो जा रहे हो उसके घर में, हैं, चाय पानी पिलाएगा ना भाई, वो तुम्हारे लिए चाय पानी नाश्ता कुछ तो अरेंज करेगा ना, उसके बाद तुम रुको 4 दिन का, तुमको खाना भी खिलाएगा। पर खर्चा किसको पड़ रहा है, उसको जिसको चोट लगी हुई है, उसको हाथ पैर में तो चोट लगी है, साथ में जेब पे भी चोट पड़ रही है। किस में पड़ रही है? जेब पे भी चोट पड़ रही है। वैसे तो टूटा फूटा हुआ ही है, अगर किसी भाई को, बंधु को, भगवान ना करे किसी को चोट लगे, अगर किसी को चोट लग भी जाती है और आप किसी के घर जाते हो, तो भैया कुछ ना कुछ लेके ही जाना, खाली हाथ मत जाना। कुछ लोग मेरे जैसे बदनाम होते ऐसे ही चले जाते मुंह ढके, मत जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना, और साथ में कुछ जो आपका हेल्प कर सके वो आप हेल्प करना। आप उसके घर जा रहे हो, उसके ऊपर खर्चा बढ़ा रहे हो, है ना, उसको चोट लगी हुई है शरीर पे, लेकिन उसकी जेब पे चोट आप मार रहे हो घर जाके, हालांकि आप रिश्तेदार हो उसके, जानने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं चोट मार रहे हो। समझ गए, बोलो हाँ कि ना। अगर आपके घर में आपको चोट लगती है, कोई आएगा तो चोट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाथ पैर में तो लगी हुई, जेब पे साथ में भाई। तो चोट कई तरीके की होती है, एक दिमाग में भी चोट लग जाती है कई बारी, है ना, किसी को, किसी के माँ बाप कुछ हो गए तो उसके दिमाग से ऐसे सोचते यार क्या हो गया, ये अभी तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ कर सकते थे मेरे लिए। तो ये संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट, और पर्यावरण का तो हो ही गया नुकसान जब हमने कोई गलत ज़्यादा बड़ा काम कर दिया। तो इसके बाद ये बोलता है कि मैं अपने परिवार, अपने संगठन, अपने समाज के हित के लिए इन दुर्घटनाओं की, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयत्न करूँगा, हर चीज़ वो करूँगा कि जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाए। एक्सीडेंट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई बताओ? जब सामने वाला कोई काम कर रहा है तो उसके काम को देखना, अगर आपको लगता है कि ये गलत काम हो सकता है या चोट लग सकती है, तुरंत रोक दो भैया। आज की डेट में वो आपको भला बुरा बोलेगा, लेकिन आगे उसकी आप जान बचा रहे हो, उसको हाथ पैर टूटने से बचा रहे हो। अभी देखो, हम लोग जो है ना, वो ऐसे लोग हैं कि हम लोग डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, बोलो हाँ कि ना? मतलब कहने का दोबारा समझाता हूँ, हम लोग डेली कुआं खोदते हैं, डेली कैसे पानी पीते हैं? आज हमने कमाई करी तो हमारा ठेकेदार हमको पैसे देगा, हाँ कि ना? आज आप बीमार पड़ जाओ, ठेकेदार पैसे देगा? उस दिन का पैसा कट हो गया। इसका मतलब होता है डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे हम आदमी हैं, एक भी दिन अगर हम घर पे बैठेंगे किसी की वजह से भी, चाहे हमको बुखार हो जाए, चाहे खांसी हो जाए, चाहे दस्त लग जाए, उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो हमको क्या करना है, सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं ना सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट, क्यों बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट, ताकि सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखो, सबसे पहले अपनी, फिर सामने वाले की, फिर कॉन्ट्रैक्टर बाबू की, फिर कंपनी की, फिर सबकी, सबसे पहले किसकी, अपनी, और अपने साथ में काम करने वाले की। समझ गए? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कई सारे चीज़ें ना ऐसी होती हैं, कुछ हम लोग बोलते हैं ना भैया आप सेफ्टी का साथ करो, सेफ्टी का पालन करो, सुबह सुबह साहब आपको बताते हैं भैया आप सेफ्टी का साथ रहो, कहते हैं ना हेलमेट लगा लो, फीता लगा लो। कई बार हम लोग देखते हैं कि आप चार आदमी ऐसे काम कर रहे हैं, हेलमेट को अपना उतार के मस्ती से कहीं भी डाल देंगे और ऐसे रख देंगे, और जैसे ही सेफ्टी वाला दिखा, अरे हेलमेट पहन जल्दी से, होता है ना, क्यों होता है? हम लोग किसको धोखा दे रहे हैं बताइए, क्यों? क्योंकि सेफ्टी वाले साहब आ रहे हैं। भैया जी सेफ्टी वाले साहब अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके घर में खाना खिला देंगे क्या? बोलो, नहीं खिलाएंगे भैया। आपकी माँ के लिए दूसरा बेटा बन जाएगा क्या? आपकी बीवी के लिए दूसरा पति बन जाएगा क्या? तो किसका ध्यान देना है भैया, हमको अपना ध्यान देना भाई। देखो मैं कहता हूँ, आप जहाँ पे थक गए, आप परेशान हो गए, आपको पसीना आ रहा है, हेलमेट उतारो, तुरंत ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ से ऊपर कोई चीज़ ना गिर जाए। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ सेफ हैं कि हम लोग नहीं हैं, सुरक्षित है कि नहीं हम लोग, है ना, यहाँ पे कुछ गिर नहीं सकता हमारे ऊपर ना, क्योंकि हम लोग सेफ हैं। तो मैंने क्या बोला आते ही, अपना हेलमेट उतारो और रिलैक्स हो जाओ, बोला नहीं बोला? लेकिन यही काम अगर आप साइड पे करोगे तो बड़ी बड़ी हैवी हैवी मशीनरी घूम रही है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रैब मशीन चल रही है, क्रेन चल रही है, उसमें इतना सा बोल्ट अगर कोई लूज हो गया, कोई ढीला बोल्ट हो गया और वो आपके सिर पे गिर गया 20 मीटर की हाइट से, तो क्या होगा भाई? हाँ, सिर के अंदर घुस जाएगा, वो दिमाग के तहस नहस कर देगा वो। समझ रहे हो बात को? तो कभी भी साइट के ऊपर जब हो तो इसको मत
ये कपाल कवच है, इसको बचा के रखोगे तो आपको बचा के रखेगा ये, समझ गए, है ना। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, बोलते हैं छोड़ यार, सेफ्टी वेफ्टी ऐसी चीज़ होती है, सब ऊपर वाला करता है, जितनी चाबी भर दी राम ने उतना ही खिलौना चलेगा, बोलते हैं ना, गाना भी आया था ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना ना। अरे भैया राम ने तो चाबी भर दी, तू जाके ट्रेन के नीचे आ गया, तो राम का कसूर है कि तेरा कसूर है, बोलो किसका कसूर है भैया। ऐसी एक कहानी थी, एक पंडित जी थे मेरे जैसे, और पंडित जी थे ना पाखंड ज़्यादा करते थे, क्या करते थे, पाखंड ज़्यादा करते थे। वो क्या करते थे भाई, वो मंदिर में बैठे हैं, और मंदिर में बैठ के जब सारे को सबको ज्ञान बांट रहे हैं, कि जैसे मैं ज्ञान बांट रहा हूँ ना अभी आप लोगों को, मंदिर में बाढ़ आ गई पूरे गांव में, तो सब लोग बोल रहे हैं गुरु जी बाढ़ आ गई भाई, चलो निकल लो, मर जाओगे डूब के। तू जा, मेरे को भगवान बचाएगा, क्या बचाएगा, जब बाढ़ आती है ना तो धीरे धीरे करके पानी का लेवल अप होता है, पता है कि नहीं पता। अब पहले सीढ़ियों तक पानी था, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, भगवान की मूर्ति तक पानी आ गया, अब बोले पंडित जी चलो डूब के मर जाओगे, भगवान तो पत्थर गए, तुम तो इंसान हो, तुम तो मर जाओगे। अरे तू जा, तू पागल है क्या, मेरे को ऊपर वाला बचाएगा, मेरे को भगवान बचाएगा। ठीक है भैया कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में एक बोट आती है, किश्ती आती है, वो कहता है पंडित जी आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, बोट में बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे तू जा, तू पागल है क्या, मेरे को ऊपर वाला भगवान बचाएगा। ठीक है भैया, अब पानी चढ़ गया सिर के ऊपर, अब थोड़ी देर बाद में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है, ऊपर से रस्सा डालते हैं, बोले पंडित जी आ जाओ, क्या पंडित जी आ जाओ, पंडित जी क्या बोलते रहे, तू पागल है क्या, मेरे को कौन बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। थोड़ी देर में मंदिर की जो दीवार होती है उसके ऊपर से पानी चला जाता है, और पंडित जी का राम नाम सत्य हो जाता है। पंडित जी बह गए, पंडित जी मरे, और पंडित जी सीधे गए ऊपर, बोले भगवान मैंने आपका नाम लिया, आपके लिए ये किया, आपने वो किया, आपने क्या किया मेरे साथ में, मेरे को मार दिया। बोले तू पागल है, बोला तू क्या सोच रहा है, जो वो आया था तेरे को बुलाने के लिए, गाड़ी वाला, किश्ती वाला, हेलीकॉप्टर वाला, वो कौन था, वो मैं ही तो था। अरे जब तू नहीं माना तो मैं खुद आया, रस्सा फेंक के हेलीकॉप्टर से मैंने बोला भाई तू आ जा, तू मेरी बात भी नहीं मानी तूने, तो कसूर किसका है, पंडित जी का। तो यहाँ पे पंडित जी कौन है, यहाँ पंडित जी मैं हूँ, और भगवान कौन है, सेफ्टी वाले साहब, क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान रखते हैं, हमको बताते हैं। देखो सेफ्टी ना एक ऐसा फील्ड है, मतलब हम लोग ना कभी कभी जैसे आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो आपको धमकाना भी पड़ता है, डांटना ही पड़ता है, भाई जी ऐसा मत करो यार, ए ऐसा मत कर, ऐसे बोलना पड़ता है कई बार, ऐसे होता है ना, जैसे जैसे शेर, आप ना आप भी कम नहीं हो, आप भी शेर के बच्चे हो, असली टेंशन नहीं लेते आप लोग, कोई भी काम कर देंगे ऐसे बिंदास हो गए, थोड़ा सा अच्छे से काम करो। अब शेर का बच्चा भी जब पानी क्रॉस करना होता है या किसी ऐसे गड्ढे से निकालना होता है, तो शेर का बच्चा क्या करता है, सरेंडर कर देता है, फिर शेर आता है, शेर आके उसका हाथ पकड़ता है, हाथ नहीं पकड़ता, उसको मुँह से जबड़े से ऐसे पकड़ता है यूं, और उसको उठा के पार कराता है, कराता है कि नहीं कराता है। लेकिन शेर का बच्चा शेर के बच्चे को, अपने बच्चे को अपने दांत लगने देता है क्या, लगने देता है क्या, और दूसरा कोई जानवर आ जाए तो फाड़ के रख देगा ना। तो भैया आप जो है ना, आप भी शेर हो, आपको ना अपने दांतों से ही बचना है, खाली किससे बचना है, दांत क्या है, हमारी अनसेफ एक्टिविटी, जैसे हम उल्टा सीधा कोई काम करते हैं ना, मस्ती में आके ये वाला काम, भांग उठे वाला काम, अभी शिवरात्रि गई थी, खूब दूध मारा है तुम लोगों ने, मेरे को पता है, उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दारू पी के साइड के ऊपर आना, ड्रग्स ले लेना, अफीम गांजे का सेवन करना, ये क्या करती हैं, हम लोग पहले अगर ठीक हैं तो हम लोग सीधे सीधे चलेंगे। ये एक एग्जांपल है, अगर आपने दारू पी रखी है या किसी और ने दारू पी रखी है और वो आपको बोल रहा है मैंने दारू नहीं पी है, तो सीधा एक काम करो, या तो मीटर लगा दो, मीटर नहीं है तो एक काम करो, एक लाइन खींच दो, उसको बोल भाई हट जा, इस लाइन के ऊपर सीधा चल के दिखा, अगर आदमी ने दारू नहीं पी है तो वो लाइन पे सीधा चल जाएगा, लेकिन दारू पिए तो दारू पिए तो नहीं चल पाएगा भैया, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो सेंस नहीं कर पाता, हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है। तो हम अगर ये काम करके दारू पी के साइड पर जाएंगे तो बचेंगे कि मरेंगे, बोलो कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे सरिया निकला हुआ, कहीं पे कुछ है कि नहीं है, तो हमको क्या करना है, खुद को भी बचना है, अपने साथ वालों को भी बचना है। तो आज की जो हमारी सुरक्षा की जो प्रतिज्ञा है ये समाप्त होती है। आपने ये प्रतिज्ञा जो हम लोग डेली करते हैं सुबह सुबह टीवीटी में, इसको आपने मन ही मन याद रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस लिए, क्योंकि आप अपने घर वालों का क्या हो, अरे वाह मेरी बात, इसका मतलब इस भाई ने पूरी की पूरी बात दिल से सुनी है। हाँ हमारी एटीएम मशीन, हमारे घर वालों की एटीएम मशीन आप हो भैया,
हर एक आदमी एटीएम मशीन है यहाँ पे जीती जागती। अगर आप कुछ हो जाएगा तो आपके घर वालों का बैंक दिवालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दिवालिया हो जाएगा। तो अपने बैंक को सही रखो, अपनी मशीन तंदुरुस्त रखो, चुस्त रखो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। ऊपर वाला आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमने कुछ खाने का बंदोबस्त किया है आप लोगों के लिए, बैठे रहिएगा, इधर ही हम लोग बांट देते हैं सबको।